हेलो। आज अपन करेंगे कौन सा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसका नाम क्या? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसका पुराना जो पहले जो नाम था वो था अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955। ठीक है। अब इसके राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे 8 मई को। कब हुए थे? 8 मई 1955। और जो गजट में प्रकाशित होता है यानी कि लागू हुआ था ये हुआ था 1 जून 1955 से। कौन सा? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। यानी अगर ये चीज याद करनी है तो आप एक कोड याद कर लो, मंजू। 8 मई को राष्ट्रपति हस्ताक्षर हुए और 1 जून को ये गजट में प्रकाशित हुआ। उसके बाद अब आपको पता है कि अधिनियम कौन पारित करता है? ये संसद पारित करती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास होता है। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं तब कोई भी वो अधिनियम बनता है। ठीक है। तो अब ये 1955 जो अधिनियम था वो कौन से नंबर का अधिनियम था? वो था 22वें नंबर का। ठीक है, 22nd 22वें नंबर का अधिनियम था। इसका नाम परिवर्तन हुआ था 19 नवंबर 1976 को। कब हुआ था? 1976 में इसका 19 नवंबर 1976 को इसका नाम परिवर्तन हुआ था अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955 से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसको अधिनियम की कौन सी या फिर इसको भारतीय संविधान की कौन सी धारा से लिया गया है? ये लिया गया भारतीय संविधान की 17वीं धारा से, अस्पृश्यता का उन्मूलन। कौन सी धारा? 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसके दो संस्करण हुए थे। प्रथम संस्करण हुआ था 1 नवंबर 1970 में। कब हुआ था? 1 नवंबर 1970। ये हुआ था दो भाषाओं में हुए थे। ठीक है। और सेकेंड दूसरा संस्करण हुआ था 1 जून 1977 को। कब हुआ था? 1 जून 1977। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसमें धाराओं की। तो इस अधिनियम में 17 धाराएं हैं। इसे याद रखने के लिए आप एक चीज कर सकते हो, 17, 7 और 1 8 होता है। 8 यानी कि 18, 7 प्लस 1 8, 8 मई 1955। ठीक है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये क्यों बनाया गया था, मतलब इस अधिनियम की जरूरत क्या थी? तो ये इसलिए बनाया था SC को संरक्षण के लिए। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट को संरक्षण देने के लिए। अब ये कब बना था? ये बना था 8 मई 1955 को। कहाँ बना था? सब जानते हैं, संसद में बनता है। किसने बनाया? वो भी संसद बनाती है। तो अब अपन ना सबसे पहले इसकी धाराएं देखेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके नोट्स इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो धारा 1, सबसे पहले कौन सी धारा थी? धारा 1। धारा 1 में कोई सा भी अधिनियम हो, लगभग लगभग सभी अधिनियम के धारा 1 में उसका पूरा नाम तथा विस्तार हुआ दिया होता है कि ये मतलब कहाँ से कितना तक है। तो धारा 1 इसमें नाम और विस्तार आएगा। तो नाम तो आप जानते ही हो उसका, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है। और इसका विस्तार है संपूर्ण भारत, यानी कि ये जो पूरा इंडिया है पूरा संपूर्ण भारत में। जबकि SC ST Act जो है ना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम है, वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर है। ठीक। जबकि ये वाला जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है ये पूरे भारत में है। ठीक है। तो ये तो हो गई धारा 1, नाम व विस्तार। अब आती है धारा 2। धारा 2 में परिभाषाएं दी हुई हैं। तो परिभाषाएं मैं बताता हूँ कैसे कैसे। धारा 2 की काप की जो परिभाषा है, काम है 1 है ना, सिविल अधिकार क्या है? जो संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत और छुआछूत का अंत है ना, यही सिविल अधिकार है। ठीक है। क्या क्या? अस्पृश्यता का अंत और छुआछूत का अंत। का सार्वजनिक स्थल क्या है? होटल, तंबू, जलयान, टॉकीज, ट्रेन, मेला, खेल स्टेडियम, सड़क, जितनी भी चीजों को सार्वजनिक तरीके से प्रयोग में लाया जाता हो वो सभी चीजें सार्वजनिक स्थल कहलाती हैं। अब आता है खा। ठीक है। का के बाद क्या होता है? खा। खा में आता है स्थान। कोई व्यक्ति जहाँ छत हो या कोई भी जगह है ना जहाँ छत डली हो, छत समझते हो ना, रूफ हो, वो स्थान कहलाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि चार दीवारें खड़ी कर दी वो स्थान होगा, नहीं, जिस जगह छत डली हो वो स्थान कहलाएगा। तीसरा SC क्या है? तो SC में समझाता हूँ, धारा 366 के 24। ठीक। और 341 में SC परिभाषित है। किस किस में? 366 के 24 और 341, 366 के 24 में और 341 में SC परिभाषित है। अब आता है का हो गया, खा हो गया, अब आता है गा। गा में आता है लोक मनोरंजन स्थल। कौन सा? लोक मनोरंजन स्थल, कि जो भी स्थान मतलब लोगों के मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं वो सारे इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक। अब ना देखो, SC तो मैंने बता दी 366 के 24 और 341 में परिभाषित है। ST 366 के 25 में, SC तो 366 के 24 में,
और एसटी हो गए 366 के 25 में, ठीक है, और 342, 341, 342, एससी एसटी याद रखना, ठीक है, एसटी परिभाषित है। अब होता है घा, घा होता है लोक पूजा स्थल, कौन सा लोक पूजा स्थल, घा का दो है वो है अनुसूचित जाति की परिभाषा, ठीक है, बेहतर। अब अपन बात करेंगे धारा 3 से लेके धारा 7 तक की, कहां से कहां तक, धारा 3 से लेके धारा 7 तक की बात करेंगे। तो धारा 3, ठीक, धारा 3, 3 ऐसे लिखते हैं 3, तो 3 में क्या अपन धार्मिक जो लिखेंगे, धार्मिक, धा मा का 3 हो गए, धारा 3 में आएगा अपना धार्मिक निर्योग्यताएं, ठीक है, धारा 3 में कौन सी आएंगी, धार्मिक निर्योग्यताएं आएंगी। उसके बाद आएंगे अपन धारा 4 में, धारा 4, 4 लोगों से 4, 1 2 3 4, ठीक है, हो गए 4, सामाजिक, तो इसमें आएंगी सामाजिक निर्योग्यताएं, कौन सी आएंगी, सामाजिक निर्योग्यता धारा 4 में, धारा 3 में रहेंगी अपनी धार्मिक, धारा 4 में आएंगी सामाजिक निर्योग्यताएं, ठीक है। अब आते हैं अपन धारा 5, तो धारा 5 के लिए आप अस्पताल लिखो, क्या अस्पताल, 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 ठीक, अस्पताल के लिए धारा 5 हो गई, तो धारा 5 मतलब 5 अक्षरों का अस्पताल होता है, तो अस्पताल एवं स्कूल जाने से रोकने के लिए, कौन सी, अस्पताल एवं स्कूल जाने से रोकने के लिए, ठीक है, धारा 5। अब होती है धारा 6, 6 होती है माल एवं सामान बेचने से रोकने पर, जैसे कोई दुकानदार है ना, उसे अपन कोई भी माल या सामान बेचने से रोक नहीं सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, नहीं रोक सकते। अब आते हैं अपन धारा 7 पे, धारा 6 याद कर लेना, माल एवं सामान, धारा 7 होती है अस्पृश्यता जनित अन्य अपराध, मतलब अस्पृश्यता से रिलेटेड जो और अदर एक्ट अपराध है तो वो आएंगे धारा 7 के अंतर्गत। अब देखो अस्पृश्यता लिखो, आदशा रा, हल नीचे पा के नीचे रा की लकार लगी रहती है, ठीक है, लकार, शा या ता, हो गए 7, धारा 7 हो गई अस्पृश्यता जनित अन्य अपराध। तो अब अपन एक बार रिवाइज कर ले, धारा 1 में है नाम एवं विस्तार, ठीक है, धारा 2 में इसकी परिभाषाएं दी हुई है, धारा 3, 3 मतलब धार्मिक हो गया, धारा 4, 4 मतलब सामाजिक हो गया, धारा 5, 5 मतलब अस्पताल हो गया, 6 में माल एवं सामान बेचने से रोकने पर था, धारा 7 हो गई अस्पृश्यता जनित अन्य अपराध, कौन से, अस्पृश्यता जनित अन्य अपराध। अब आते हैं अपन 7A में, ठीक है, 6 तक सिंगल सिंगल चली आ रही थी, अब आएगी 7A, 7, 7 हो गए अपने अस्पृश्यता जनित अपराध, अब हो गए 7A, ऐसी व्यक्ति से साफ सफाई, कूड़ा फिंकवाना, शव उठवाना आदि ऐसे कार्य जो कि मतलब उसमें आते हो, लोअर उसमें आते हो, जैसे शव उठवाना, साफ सफाई करवाना, कूड़ा फेंकवाना, उसकी इच्छा के विरुद्ध है ना, तो ये आएंगे 7A में। मतलब जैसे देखो कह सकते हैं, मतलब 7 में है अस्पृश्यता जनित अपराध, अब 7A को ही उसी में एक तरीके से डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है, शव उठवाना, कूड़ा फेंकवाना और आदि कार्य करवाना जबरदस्ती, ठीक है। अब अपन आते हैं धारा 8 पे, तो अब ये सब काम करवा लिए, ठीक है, सारी चीजें पता चल गई, धारा 3 में सामाजिक है, 4, धारा 3 में धार्मिक है, 4 में सामाजिक है, 5 में अस्पताल है, 6 में माल सामान है और 7 में अस्पृश्यता है, 7A में शव उठवाना, गंदे काम करवाना है, ये सब करवाना है, ये सब तो हो गया नॉर्मल लाइफ का। अब अपन आते हैं थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, जैसे कि अगर मान लो एससी समाज अगर थोड़ा ऊपर बढ़ता है तो नॉर्मल सी बात है वो सभी जगह जाएगा, होटल जाएगा और कई काफी जगह जाएगा। तो अगर ऐसे में मान के चलिए कोई व्यक्ति किसी होटल गया है ना, तो वहां पर अगर उनके साथ सही से ट्रीट नहीं किया गया होटल स्टाफ के द्वारा, होटल स्टाफ कहीं भी कह लो, मंदिर कुछ भी कह लो, या फिर ट्रस्ट जो चलते हैं है ना, तो 8 में है लाइसेंस रद्दीकरण होटल और अस्पताल का। जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति होटल गया, हाँ, उसे बैठने के लिए सीट नहीं दी जा रही है क्योंकि वो एससी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, धारा 8 के तहत उस होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, और सेम हाल अस्पताल में, ठीक है, अस्पताल और एवं होटल इन दोनों का धारा 8 के थ्रू ऐसे ही चलेगा। अब आता है धारा 9, तो 9 अपन बोलते हैं तो 9 से क्या होता है, न्यास होता है ना, न्यास मतलब क्या होता है, अनुदान, अनुदान ट्रस्ट, एनजीओ संस्था, जो सरकार ट्रस्ट, जो ट्रस्ट रहते हैं और एनजीओ रहते हैं, संस्था रहती हैं, उनके लिए क्या ग्रांट्स देती है सरकार, इन्हें चलाने के लिए कुछ ग्रांट्स देती है, तो 9 में न्यास होता है, न्यास मतलब होता है अनुदान का वापस लेना, ठीक है। तो धारा 8 में लाइसेंस कैंसिल किया था, 9 में अपन उनका अनुदान वापस ले लेंगे, जो ग्रांट्स को अपन ने दिया हुआ है वो अनुदान अपन वापस ले लेंगे, ठीक है। अब आता है धारा 10, ये होता है दुष्प्रेषण। तो अब होगा क्या, जैसे अगर मान के चलो धारा 10 दुष्प्रेषण का, मैं आपको बिल्कुल सही सिंपल तरीके समझाता हूँ। एक है बंदा एक्स है जनरल वाला, ठीक है, वाई है ओबीसी वाला,
तो एक्स ने जो जनरल वाला है उसने वाई से बोला कि जेड जो एससी है उसे मार दे, मतलब जनरल वाले बंदे ने ओबीसी से बोला कि एससी वाले को तू मार दे, ठीक है। तो सजा एक्स और वाई दोनों यानी जनरल और ओबीसी दोनों को होगी, मतलब इसे अपन एक तरीके कह सकते हैं कि प्री प्लान मर्डर जो कहते हैं, मर्डर तो नहीं मतलब कुछ भी करवाया एक्स वाई जेड, बट समझाने के लिए बताऊं कि मर्डर जो कहते हैं प्री प्लान मर्डर, तो इसमें क्या साजिश करने वाला यानी कि जनरल, मारने वाला यानी कि ओबीसी, इन दोनों को सजा होगी, ठीक है। क्या होगा, दोनों को सजा होगी। ये हो गया धारा 10, 10 मतलब दुष्प्रेषण, 9 मतलब न्यास, 8 मतलब लाइसेंस, ठीक है। अब आते हैं अपन धारा 11, धारा 11 वन वन रिपीट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, वन वन रिपीट हो रहा है, ठीक। तो इसमें ना रिपीटेशन ऑफ क्राइम होगा, मतलब पश्चातवर्ती अपराध के लिए वर्धित दंड, क्या रिपीटेशन, धारा 11 एक एक रिपीट हो रहा है, जनरल बात है, पश्चातवर्ती अपराध के लिए ये वर्धित दंड होगा इसमें। अब आती है धारा 12, क्या होता है, इस 12 में क्या है, अवधारणा है, क्राइम जो ऐसी व्यक्ति के साथ हुआ हो तो क्राइम करने वाला जानता है कि क्राइम इसलिए हुआ क्योंकि वह व्यक्ति ग्रसित है एससी से, मतलब जैसे कि अगर कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, एक अवधारणा बना के अपन क्राइम करते हैं ना कि हाँ सामने वाला मुझे पता है एससी है फिर भी मैंने क्राइम कर दिया, तो उसके तहत लगेगी आपका धारा 12, क्या होती है, इसमें होती है अवधारणा, ठीक है, उपधारणा या अवधारणा जो भी कह लो अपन। उसके बाद आता है कोई धारा 13, कोई भी सिविल कोर्ट ऐसा कोई वाद्य ग्रहण नहीं करेगा जो इस अधिनियम के विरुद्ध कार्य को तथा ऐसी प्रथा परंपरा को मान्यता नहीं देगी जो इस अधिनियम के विरुद्ध हो, इच्छा के विरुद्ध काम करना चाहे कोई खानदानी धंधा ही क्यों ना हो, मतलब कोई भी सिविल कोर्ट इस अपराध के तहत ना मतलब ऐसा कोई वाद्य दायर नहीं करेगी, क्योंकि अगर ठीक है मान के चलो जैसे कि जो एससी होते हैं उनका काम वो चमड़े का रहता है ना, बट अगर कोई ऐसी नहीं करना चाहता तो आप उसे वाद्य नहीं कर सकते कि वो काम करे, है ना। तो इसके तहत है धारा 13, ठीक। उसके बाद धारा 14, कंपनियों द्वारा अपराध, अगर किसी कंपनी में इस अधिनियम के तहत अपराध किया गया व्यक्ति कंपनी है तो हर ऐसा व्यक्ति अपराध के समय जो उत्तरदायी या अभियुक्त होगा, परंतु कोई व्यक्ति अगर ये सिद्ध करता है कि वह अपराध के समय उस कंपनी में हाजिर नहीं था, है ना, तो वह बच सकता है। यदि अपराध निर्देशक, प्रबंधक, सचिव एवं अन्य अधिकारी की सहमति से किया गया हो तो वह अधिकारी भी दोषित होगा, मतलब कि सीधी सी बात है, अगर किसी कंपनी में अपराध हुआ है और आप वहां मौजूद हो तो यानी कि आप भी उस अपराध में लुप्त पाए जाएंगे, अगर आप ये बात साबित कर देते कि उस समय पर आप वहां नहीं थे तो इस कंडीशन में आप बच सकते हो। अब इसकी है धारा 14A, ठीक है, सद्भावना पूर्वक कार्रवाई में संरक्षण। तो जैसे पहले 7-7 की 7-7A भी थी, अब ऐसे 14 है, 14A भी है। अब नॉर्मल सी बात है, कंपनी किसी छोटे मोटे इंसान की तो होगी नहीं, है ना, जनरल बात है, बड़े इंसान कहती है। अब क्या हुआ, मान के चलो कोई अधिकारी उस पर काम कर रहा है, ठीक है, इसके उसने केस अपने अंडर में ले लिया काम करने के लिए, अब भाई कंपनी है बड़े आदमी की है, तो उसमें क्या होगा कि जो सद्भावना पूर्वक कार्रवाई चल रही है ना, उसमें जो कार्रवाई कर रहा है अधिकारी, जो अधिकारी कार्रवाई कर रहा है उसके ऊपर उसे संरक्षण प्राप्त होगा। यदि कोई कार्य सरकार या केंद्र हो या राज्य के द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है तो सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है, तथा किसी प्रकार के नुकसान के लिए सरकार जिम्मेदार भी नहीं होगी। तो ये तो हो गई धारा 14 है, 14 में क्या था, कंपनी थी, 14A में था सद्भावना पूर्वक कार्रवाई। अब आती है धारा 15, अपराध संज्ञेय होगा, मतलब संज्ञेय का मैं आपको मतलब बताऊं, संज्ञेय का मतलब होता है बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गया किसी के खिलाफ कंप्लेन लिखाना है, ऐसी व्यक्ति गया तो उस पर धारा ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू होता है, तो पुलिस क्या करेगी, उसे बिना वारंट के सीधे उसकी गिरफ्तारी कर लेगी। वैसे क्या होता है, पुलिस को वारंट देना पड़ता है गिरफ्तार करने के लिए, वारंट लेके आना पड़ता है, बस इस केस में धारा 15 के तहत अपराध संज्ञेय होगा, मतलब अपराध संज्ञेय माना जाएगा, इसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अब धारा 15 में इंपोर्टेंट क्या है वो सुनो, इस अधिनियम में 3 माह तक की सजा वाले अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, कौन से, 3 माह तक की अगर सजा है तो उसमें प्रथम न्याय न्याय वो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, ठीक है। 3 माह से ऊपर वाले अगर अपराध को विशेष न्यायालय सुनेगा, 3 माह से ऊपर वाले को कौन सुनेगा, विशेष न्यायालय सुनेगा। यदि इस अधिनियम के तहत किसी लोक सेवक द्वारा दुष्प्रेषण अपराध किया जाता है तो सरकार की अनुमति से ही इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, मतलब कि अगर मान के चलो जैसे कि कोई सरकारी अधिकारी दुष्प्रेषण करता है इसमें, है ना, तो दुष्प्रेषण का मैंने आपको बता दिया था जनरल ओबीसी एससी वाला, तो
ऐसा कोई अगर मान के चलो कोई सरकारी अधिकारी करता है, या अधिकारी के सरकारी मतलब कहते हैं अपन सरकारी व्यक्ति अगर कोई करता है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें क्या है उसे डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, पहले उसके डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी, तब जाके पुलिस से डिपार्टमेंट कर पाएगी वो गिरफ्तार कर पाएगी। ठीक है, अब आता है 15A, 7A, 14A, 15A। ठीक है, शासन के कर्तव्य क्या होंगे। एक बार केंद्र सरकार द्वारा नियम बना देने के बाद उसे लागू करने का कर्तव्य किसका होगा, राज्य सरकार का होगा। ठीक है, शासन के कर्तव्य है ये कि नियम बनाएगी केंद्र सरकार और लागू कौन करेगा, राज्य सरकार उसे लागू करेगी। ठीक है, जिसके तहत उसे पीड़ित, अब एक और जैसे शासन के कर्तव्य क्या, 15A में क्या कर्तव्य है, पहला केंद्र सरकार शासन नियम बनाएगी और राज्य सरकार उसे लागू करेगी। दूसरा है जिसके तहत उसे पीड़ित की हर प्रकार मदद, विवेचना अधिकारी की नियुक्ति, विशेष न्यायालय का गठन, जांच का गठन और ऐसे क्षेत्रों की पहचान जहां अस्पृश्य जन अपराध घटित होते हों। मतलब जो शासन क्या करेगा, शासन करेगा जांच करवाएगा पीड़िता के लिए, पीड़िता की मदद करेगा, उसे विवेचना अधिकारी की नियुक्ति करेगा और जांच समिति गठन करेगा और ऐसे क्षेत्र का पता करेगा, जांच करेगा जहां पे ऐसे अपराध होते रहते हो। ठीक है, तीसरा आता है केंद्र सरकार हर वर्ष संसद में राज्य सरकारों से समन्वय कर उठाए गए कदमों उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। क्या करेगा केंद्र सरकार हर वर्ष संसद में राज्य सरकार से समन्वय करेगी, मतलब राज्य सरकार ही तो पता ही क्यों ना केंद्र सरकार को कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो अब राज्य सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए होंगे उनका पूरे एक रिपोर्ट तैयार करके संसद में प्रस्तुत करेगा। ठीक है, क्या करेगा मतलब राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट लेगा, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, कहाँ क्या कैसे हुआ था, इनकी रिपोर्ट बना के जमा करेगा संसद में। अब आती है धारा 16, जब तक विशेष उपबंध ना हो यह अधिनियम हर अधिनियम के ऊपर होगा। मतलब धारा 16 कहती है कि अगर कोई विशेष उपबंध ना हो, ना कोई विशेष बात ना हो, तब तक यह अधिनियम क्या सारे अधिनियमों के ऊपर रहेगा, मतलब कि यह अधिनियम सुप्रीम में काम करेगा। अब आती धारा 16A, 14, 15, 16 इन तीनों के AAA हैं। ठीक है, 16 का भी ये भी याद रखना। 14 वर्ष से अधिक आयु के अपराधियों पर परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब कि जो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 है तो उसके अनुसार क्या है, 14 वर्ष से कम वालों को सजा नहीं होती है। ठीक है, तो उसमें सॉरी उसमें लाभ क्या क्या है उसके सुनो। प्रथम बार अपराध है, 18 से कम उम्र है, जेल नहीं भेजा जाता, 2 वर्ष से ज्यादा की सजा ना हो। तो इसमें क्या है, इसमें 18 ना करते हुए 14 है ये सब। 14 वर्ष से अधिक आयु के अपराधियों पर परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब ये अधिनियम जो बना ना अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, ये 18 वर्ष पर काम करता है, बट इस केस में सिविल अधिकार संरक्षण के केस में ये अधिनियम 14 वर्ष के बाद काम करना बंद कर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन 16B पे, नियम बनाने का अधिकार। कौन सा नियम बनाने का अधिकार, इस अधिनियम के तहत नियम बनाने का अधिकार संसद को है। कौन बनाएगा नियम, संसद बनाएगी। अधिसूचना द्वारा संसद परिवर्तन कर सकती है, नियम बना सकती है, मतलब जो संसद है वो क्या अधिसूचना द्वारा नियम भी बना सकती है और परिवर्तन भी कर सकती है। यह अधिनियम संसद के दोनों सदनों में 30-30 दिन के लिए रखा जाएगा, तभी किसी परिवर्तन को किया जाएगा, मतलब कि जैसे कोई परिवर्तन करना है अगर संसद को, तो संसद क्या करेगी, यह अधिनियम की जो नियमावली है उसे 30-30 दिन के लिए दोनों सदनों में रख देगी, राज्यसभा और लोकसभा दोनों 30 दिन के लिए रहेगा, उसके बाद इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना पूरा। और 17 में तो उत्प्रेक्ष वो रहते ही, आप देख लेना 17 इतनी इंपोर्टेंट नहीं थी कभी भी, तो अब मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक, अब मैं आपके इसमें सजा का प्रावधान और अभी देखता इस वीडियो के लास्ट में देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट में देता हूँ। ठीक, तब तक आप देखो, एक काम करना, अब जे मैं डाल रहा हूँ ठीक है, इससे ना आप जूम करके वीडियो पॉज करके इसमें देख लेना कौन सी धाराओं के पास कितनी कितनी सजा दी हुई है। ठीक है, ओके, थैंक यू।